जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक जगत में बहुत बड़ी उथल पाथल आज भी चल रही है, सप्लाई चेन पूरी तरह चरमरा गई है, लॉजिस्टिक सपोर्ट में अनेक संकट पैदा हुए हैं, दुनिया में सप्लाई चेन की वजह से केमिकल फर्टिलाइजर पर कितना बड़ा संकट आया है और भारत आयात करने पर डिपेंडेंट है, कितना बड़ा आर्थिक बोझ देश पर आया है, पूरी विश्व में हालत पैदा हुई है, लेकिन भारत ने किसानों को इस पीड़ा झेलने के लिए मजबूर नहीं किया। भारत ने वो सारा बोझ देश ने अपने कंधों पर उठाया और किसान को ट्रांसफर नहीं होने दिया है। भारत ने फर्टिलाइजर की सप्लाई को भी निरंतर जारी रखा है। कोरोना के संकट काल में भारत ने अपनी खेती को, अपने छोटे किसानों को संकट से बाहर निकालने के लिए बड़े फैसले लिए। मैं कभी कभी सोचता हूं, जो लोग जड़ों से कटे हुए लोग हैं, दो दो चार चार पीढ़ी से महलों में बैठने की आदत हो गई है, वो देश के छोटे किसानों की क्या समस्या है वो समझ ही नहीं पाए। उनके अगल बगल में जिन किसानों की उनकी पहुंच थी, उससे आगे देख नहीं पाए हैं। और मैं कभी ऐसे लोगों को पूछना चाहता हूं कि छोटे किसानों के प्रति आपकी इतनी नफरत क्यों है? क्या आप छोटे किसानों के कल्याण के लिए आप रोड़े अटकाते रहते हो, छोटे किसानों को इस संकट में डालते हो? माननीय अध्यक्ष जी, अगर गरीबी से मुक्ति चाहिए तो हमें हमारे छोटे किसानों को मजबूत बनाना होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है तो हमारे छोटे किसानों को मजबूत बनाना होगा। अगर हमारा छोटा किसान मजबूत होता है, छोटी सी जमीन होगी, 2 हेक्टेयर की भूमि होगी, तो भी उसको आधुनिक करने का वो प्रयास करेगा, नया सीखने का प्रयास करेगा और उसकी ताकत आएगी तो देश की अर्थरचना को भी ताकत मिलेगी। और इसलिए आधुनिकता के लिए छोटे किसानों की तरफ ध्यान देने का हमारा प्रयास है। लेकिन छोटे किसानों के प्रति जिन लोगों के मन में नफरत है, जिन्होंने छोटे किसानों के दुख दर्द नहीं जाना है, उनको किसानों के नाम पर अपनी राजनीति करने का कोई हक नहीं बनता है।